साल 2018 ने जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर जैसे स्टार किड्स को बॉलीवुड में एंट्री दी। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली और दर्शकों ने इन्हें हाथों हाथ लिया। स्टार किड्स को लेकर फैंस में गजब एक्साइटमेंट होता है और वे पर्दे पर कामयाब होने चलता है, हालांकि आखिरी दारोमदार उनके अभिनय पर होता है। साल 2018 में कई स्टार किड्स के बड़े पर्दे पर डेब्यू करने की संभावना है, तो आइए जानते हैं इन स्टार किड्स के बारे में जो अगले साल कर सकते हैं फिल्मों की शुरुआत। चंकी पांडे और भावना पांडे की बेटी अनन्या पांडे साल 2019 में करण जौहर की फिल्म से शुरुआत करने जा रही है। करण जौहर वो निर्देशक है जिन्होंने आलिया भट्ट और जाह्नवी कपूर जैसे स्टार किड को भारतीय सिनेमा में लॉन्चिंग दिलाई। करण अपनी फिल्म स्टोन ऑफ बियर 2 में अनन्या को डेब्यू कराएंगे। सनी देओल ने साल 1983 में फिल्म बेताब से अपना करियर शुरू किया। अब उनका बेटा सिनेमा जगत में एंट्री लेने को तैयार है। सनी देओल का बेटा फिल्म पल पल के पास से अपने करियर की शुरुआत करेगा। अभिनेत्री नितिन की पोती मनीष बहल की बेटी प्रनीतुन बहल भी 2019 में अपने करियर को उड़ान दे सकती है। दिवंगत दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी का पोता वर्धन पुरी भी फिल्मों में डेब्यू करने के लिए तैयार है। खबर है कि वर्धन को तकरीबन 2 फिल्मों के लिए अप्रोच किया जा चुका है। दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर बॉलीवुड में डेब्यू करने को तैयार है। खबर है कि जाह्नवी की बहन साल 2019 में उन्हीं के लिए कॉम्पिटिशन बनकर आ सकती है।